चैन से हमने देखा है उसमें मेरा तो दिल में एक जोश आ गया, चैन से भी ऐसा हो सकता है। हम लोग इंडियन हैं, प्राउड टू बी इंडियन, ये देखने का बाद सबको होना चाहिए वी आर प्राउड टू बी इंडियन। व्हाट ए ब्यूटीफुल टाइम स्टॉप आई वाज एक्सीलेंट, क्यों मैं उनको काफ़ी दिन से जानता हूँ, शर्वानी मुखर्जी, मुखर्जी परिवार से पूजा हम लोग को जो दुर्गा पूजा है हमें तो अटैच करते साथ, तो बस माँ का आशीर्वाद है, डूइंग वंडरफुल जॉब। और मैं डांस को मैं बहुत ही डांस को स्पेशल कुछ सोचता हूँ, तो डांस के लिए मैं पॉपुलर जो भी गाना है मेनली डांस का गाना होता है, मेलोडी किया, लेकिन चाहे जितेंद्र का ताकि ताकि बोलिए, नैनो में सपना बोलिए श्रीदेवी का, चाहे मिथुन का गाना बोलिए, चाहे गोविंदा का बोलिए, सब मुझे डांस का जो है मैं हमेशा इवन अनिल का फर्स्ट सॉन्ग यार बिना चैन का, तो अमिताभ जी दे दे प्यार दे एंड नमक हलाल पाकर घूमरो बांध लेना चाहिए, मेरा गाने में सब बड़े बड़े जो आप मेरा जर्नी जो है दिलीप कुमार साहब दीवारन जी से लेके वरुण धवन रणवीर सिंह का, वरुण धवन तम्मा तम्मा रणवीर सिंह होने वाली एंट्री बोलिए, बस मैं डांस को बहुत पसंद आई लव डांसिंग, जो भी लोग करके गाना बनाने से नहीं होता, डांस से आत्मा आ जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइट, अभी का फ्रेश अभी अभी दोनों ही सुपर हिट है मेरा हिसाब से लगता है, रणवीर सिंह एंड वरुण धवन बहुत वेरी उन्होंने, मेरा भाई है छोटा भाई आउटस्टैंडिंग मेरे फादर का था, उन्होंने कहा तुम इतने सालों से डांस फॉर अ कॉज कर रहे हो पर कभी आर्मी भी कुछ नहीं किया, एंड आई थॉट दिस वाज अ लवली वे टू से हैप्पी एनिवर्सरी टू माय पेरेंट्स, बिकॉज उनके आज 50 इयर्स ऑफ एनिवर्सरी हुए, एंड इट्स माय वे टू थैंक माय पेरेंट्स फॉर मेकिंग मी हु आई एम टुडे। और ये गाने की जो रिकॉर्डिंग थी हमने सर के स्टूडियो में की, थैंक्स टू शर्वानी मुखर्जी माई डियर फ्रेंड हु रिकॉर्डेड दिस होल थिंग विद मी, एंड आई एम सो थैंकफुल टू गिव दीज आइडियाज दैट ऑल केम फ्रॉम हर साइड एज वेल, सो थैंक यू सर फॉर अलाउइंग अस टू यूज योर स्पेस टू डू दिस, एंड आई एम सो एक्साइटेड, योर कॉन्सेप्शन इज आउटस्टैंडिंग, थैंक यू सर, थैंक यू, डांस पे जो आपने किया है, थैंक यू, नाम को देश के लिए करना है, नया वाज डेफिनेटली दिस न्यू कॉज व्हिच वाज अबाउट सैल्यूटिंग इंडियन आर्मी, एंड ऑल्सो व्हाट्स न्यू इज दैट वी हैव सम अमेजिंग कंटेस्टेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हु आर कमिंग टुमारो, कल आप लोग कम से कम 7 से 8 स्टेट से लोगों को डांस करता हुआ देखेंगे, तो इंडिया डांस वीक डांस फॉर अ कॉज इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर, पहले हमने शुरुआत मुंबई से की थी, फिर महाराष्ट्र हुआ, आज पूरा हिंदुस्तान उसमें इन्वॉल्व है, आई एम सो ग्लैड एंड आई होप एंड प्रे कि सून हमारे पूरे दुनिया से लोग यहाँ पे डांस करने के लिए आए, तो हम काफ़ी समय से परफॉर्म कर रहे हैं, एंड फॉर मी टू कनेक्ट विद संदीप इज मी डांसिंग इंटरनेशनल फॉर्म्स, बट आज का जब मुझे कॉल आया था कि आपको एक थीम है एंड दिस इज व्हाट द थीम इज, आई वॉज लाइक मैं आज रिहर्सल पर आ रही हूँ, इज लाइक दैट एंड येस इमोशनल, एक्चुअली मैं भी हो गई थी, आई हैड टीयर्स इन माई आइज, बिकॉज यू नो व्हेन यू नो इट्स रियलिटी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, तो मैं बहुत इनग्रॉस्ड हो गई थी उसमें, एंड आई कुड लिटरली फील, आई कांट से मैं उतना फील कर पाई हूँ, बिकॉज जो एक्चुअली द वन गोस थ्रू दे नो इट, वी कैन जस्ट बी आउटसाइड एंड से कि आई वी अंडरस्टैंड, बट या इट्स पेनफुल, इट्स ट्रू, सी बींग अ डांसर थोड़ा एक गॉड इज़ बीन काइंड आई से, तो दो रिहर्सल्स लगी बट हमने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में काम किया है कि कहीं हमारा डांस सिर्फ डांस ना लगे, एक एक्ट लगे, तो हमारे इमोशंस में, हमारे पॉजेस में, हमारा टीका लगाना, पीछे एक स्टेप लेकर आरती करना, यू नो अदरवाइज ऐसे होता है हाँ आरती कर दी, सो नहीं हम वो ग्रैंड दिखाना चाहते थे, जब संदीप को गोली भी लगी तो यू नो इट्स लाइक घसीट के नहीं ले गए, वी वेंट वेरी क्लासी वे, सो उसको प्रिपेयर करने के लिए, ग्रैंडनेस दिखाने के लिए वी रियली वर्कड टूवर्ड्स इट, एंड संदीप इज एनी वे वेरी ग्रेट टू डू दिस। इंडिया डांस वीक सीजन 4 से मेरा एसोसिएशन चालू हुआ था फॉर विद इंडिया डांस वीक, एंड आई होस्टेड दैट सीजन, एंड नाउ आई एम होस्टिंग द 6th सीजन, एंड इट्स जस्ट वंडरफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, बिकॉज इट्स सच एन एग्जेम्पलरी शो, इतने सारे आर्टिस्ट को, इतने सारे डांसर्स को मौका मिलता है टू कम फ्रॉम different cities and they compete and then there's a winner, and so it's not just ki aap jeet gaye aur chale gaye, there is a prize and there like things actually happen for them, so I'm very happy to be a part of this show, and it's just a privilege and an honor to host the 6th season again after the 4th season, and speaking about my dancing, hamara ek chota sa act prepared hai, zyada time to nahi mila rehearsal ke liye,
बट बिकॉज आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स लास्ट वीक, बट एक छोटा एक मिनट का एक्ट होगा जो आप लोग देखेंगे थोड़ी देर।